नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रोबानी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। बात करते हैं कि आपने मन ही मन में ये शब्द बोलने हैं उस व्यक्ति के आगे, जिस भी व्यक्ति को आप चाहते हैं कि आपके प्यार में पड़ जाए और सबसे पहले आके प्यार का इजहार भी वही व्यक्ति आपसे कर ले। नियम इसमें यह है कि व्यक्ति के साथ जान पहचान होना बेहद जरूरी है। कोई आप कहें कि अनजान व्यक्ति है और ये मेरे प्यार में पड़ जाए, ऐसा नहीं। थोड़ी बहुत जान पहचान होना जरूरी है, ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत होनी चाहिए। आपका मिलते रहना जरूरी है, क्योंकि ये आप उपाय उसको देखते हुए कर सकते हैं। तो आप एक दूसरे को देखना चाहे दूर से ही सही, लेकिन देखना बहुत जरूरी है। अगर आप कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर दूर से भी एक दूसरे को देख लेते हैं तो ये बहुत बढ़िया बात है। ज्यादा जान पहचान ना हो, थोड़ी बहुत हो, एक दूसरे को देखते रहते हो तो भी ये इनफ है। अगर किसी के मन में अपने लिए प्यार जगाना है और चाहते हैं कि वह व्यक्ति आपसे आकर प्यार का इजहार कर ले, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले अगर वो आपसे प्यार का इजहार करेगा तो सबसे पहले आपको पसंद करेगा, पसंद करेगा, आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, आप उसे अच्छे लगेंगे, आपकी ओवरलुक, आपकी बातें उन्हें अच्छी लगेंगी, तो वो आपसे आकर्षित होगा और तो वो आपको पसंद करेगा, तो वो आपके प्यार में पड़ेगा, तो वो आपसे अपने आप आके प्यार का इजहार कर देगा। जब वो उसका प्यार बिल्कुल आप कहेंगे बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपके लिए बहुत सीरियस हो जाएगा, आप नहीं चाहेगा कि आप किसी और के पास चले जाएं, आपके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहेगा, तो वो खुद ब खुद ही आपसे आकर प्यार का इजहार कर लेगा। तो आपने उपाय क्या करना है, बात करेंगे हम उपाय की। इसमें आपने क्या करना है, जब भी आपने उसके सामने जाना है या आपको पता है कि आज मैं उससे मिलने वाला हूं, ये आज मैं उससे देखने वाला हूं, आज का दिन मैं उससे मिलूंगा या बात करूंगा, जब भी आपको पता हो कि ये चीज होने वाली है, वह व्यक्ति आपके सामने आने वाला है, तो आपने क्या करना है, चाहे वीडियो कॉल के जरिए हो, चाहे आपकी दूर से नजर मिल रही हो, चाहे आपकी बातें हो रही हो, बस आपको पता होना चाहिए कि वह व्यक्ति आपके पास अब आ रहा है। ये कम से कम ये उपाय 3 या 4 बार आपने जरूर करना है, जब भी उसके सामने जाना है ये उपाय करना, चाहे वो लगातार 3 या 4 दिन कर ले, चाहे रुक रुक कर ले, वो आपकी मर्जी है। जैसे भी आप उससे मिलते हैं, अगर रोजाना मिलते हैं तो रोजाना 3 या 4 दिन ये उपाय करें, अगर रुक रुक कर मिलते हैं तो कम से कम 3 बार ये उपाय आपने जरूर करना है। बात करेंगे कि उपाय क्या करना है। जब भी आपने उससे मिलना है तो उससे पहले आपने सुबह उठकर जब भी स्नान करना है तब आपने दही से नहाना है, यानी कि अपने शरीर पर आपने दही लगानी है, उसके बाद आपने पानी से नहा लेना है। उसके बाद आपने थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी लेनी है और थोड़ा सा सफेद चंदन लेना है। हल्का सा पानी डाल के मुल्तानी मिट्टी और सफेद चंदन को मिक्स कर लेना है और उसके बाद आपने इसका छोटा सा टिक्का अपने कान के पीछे लगाना है, राइट कान के पीछे लगाना है, हल्का सा, ताकि जिसको किसी को दिखे ना, बस आपने उपाय कर लेना है। कान के पीछे हल्का सा टीका लगाना है और टीका लगाते समय उसका नाम, वो व्यक्ति का नाम 3 बार लेना है। अगर नाम नहीं पता है तो आंखें बंद करके उसके चेहरे को एक बार अपनी आंखों में जरूर लाएं। अगर नाम पता है तो उसका नाम आपने 3 बार लेना है। 3 बार नाम लेने के बाद आपने मंत्र भी 3 बार बोलना है, अपने मुंह से आपने बोलना है ओम ह्रो ह्री ह्रा नमः, ओम ह्रो ह्री ह्रा नमः, या कर्षण बीज मंत्र है, इसे आपने 3 बार बोलना है। और उसके बाद जब भी आप उस व्यक्ति के सामने जाएंगे, उसे दूर से देख रहे होंगे या बातें भी कर रहे होंगे, तो मन ही मन में आपने ये मंत्र बोलते रहना है, ओम ओम ह्रो ह्री ह्रा नमः। मन ही मन में ये मंत्र आपने उसको देखते हुए बोल, चाहे 5 बार बोले, चाहे 6 बार 7 बार, उस मन ही मन में आपने ये मंत्र बोलते रहना, और इस मंत्र का प्रभाव इतना तेज होगा कि वह आपकी तरफ आकर्षित होगा, आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, आपका दीवाना होगा, आपके प्यार में पड़ेगा, उसे आप पसंद आने लगेंगे और आपके इतने प्यार में पड़ जाएगा कि आपके बिना रहना असंभव हो जाएगा, और खुद ब खुद आगे बेहद जल्दी, बहुत जल्दी आपसे प्यार का इजहार भी कर लेगा। तो ये जो उपाय है बेहद प्रभावशाली है, जो थोड़े ही दिनों में अपना असर दिखाएगा, इसे जरूर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, इसे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।